हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेब्लेड जनरेशन 4 के बारे में। तो तुम लोग जानते ही होगे कि बेब्लेड जनरेशन 4 के बारे में बहुत सारी डिस्कशन चल रही है और बहुत सारी लीक्स आई है, जो कि हम लोगों को एक सिचुएशन में डाल दी है कि हम लोगों को बेब्लेड जनरेशन 4 किस तरह देखने मिलेगा और उसमें क्या क्या चीजें होगी। तो मैं आज वही डिस्कस करने वाला हूँ और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्या क्या बेब्लेड जनरेशन 4 में होना चाहिए, जिससे बेब्लेड जनरेशन हम लोगों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आए। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। So, इस वाले टॉपिक का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्टोरी लाइन। अब बाय द वे, तुम लोग में से जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, तो असल में ये मेरा ही चैनल है हकाई, बस कोलैब करने आया है। लौंडा 7 महीना से गायब था। कुछ पूछा मैंने। अगर हम लोग बात करें स्टोरी लाइन के बारे में, तो देखो स्टोरी लाइन एक इतना ऑसम सा चीज है जो एक टिपिकल एनिमे को एक ऑसम एनिमे में कन्वर्ट कर सकता है। तुम लोग में से मेजोरिटी ऑफ लोगों का बर्स्ट का स्टोरी लाइन से बहुत ज्यादा कंप्लेन होगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू मेटल एंड ओरिजिनल बर्स्ट का स्टोरी लाइन बहुत फीका पड़ जाता है। बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि बेब्लेड बर्स्ट की जो मांगा है ना, उसकी स्टोरी बहुत ऑसम है और कुछ कुछ मामलों में तो मेटल को भी सरपास कर देती है, लेकिन बर्स्ट की मांगों को फॉलो नहीं किया गया है। कोई भी एक एवरेज एनिमे के अंदर मांगा को 90-95% फॉलो किया जाता है, बट बेब्लेड्स के जो एनिमे के जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो स्टोरी लाइन खुद से सोचते हैं। वे भी रात को सोते सोते, और जो स्टोरी उन लोग के दिमाग में आता है या फिर मैं यूं कहूं कि सपनों में जो उन लोग की स्टोरी आता है, वो लोग आके हम लोग को चिपका देते हैं एनिमे के रूप में। सो मेरा सजेशन ये होगा कि वो लोग अपना खुद का दिमाग लगाने के बजाय अगर लोग मांगा की स्टोरी को फॉलो करेंगे, जो काम उन लोगों ने बेब्लेड बर्स्ट में नहीं किया था, तो बेब्लेड जनरेशन 4 की स्टोरी बहुत ज्यादा ऑसम हो जाएगी। जो दूसरी चीज हम लोगों को दिखाई जाती है कि बेब्लेड जनरेशन 4 में होना चाहिए, वो है कि कैरेक्टर के बारे में और कैरेक्टर डेवलपमेंट। तुम लोगों ने देखा ही होगा कि शुरुआत से बेब्लेड ओरिजिनल मेटल और बर्स्ट में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काफी नौसिखिया होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो सीखा है और इम्प्रूव हो जाता है, जो कि एक बेसिक नॉलेज है। इस मतलब अभी ये बहुत से एनिमे में ये चलता है, लेकिन अगर बेब्लेड जनरेशन 4 हिट होना चाहता है तो उसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर लेके आना चाहिए, उसके अंदर ऐसा दम हो कि वो ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर हो, या फिर उसके पीछे एक ऐसी बैक स्टोरी हो जिससे वो बेब्लेडिंग उसने क्यों स्टार्ट किया और वो हमारा मेन कैरेक्टर क्यों बना। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि कैरेक्टर के पीछे एक बैक स्टोरी होनी चाहिए जो कि काफी दमदार हो। देखो मैं तुम लोगों को इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर में दम होगा तभी जाके तो सीरीज में दम होगा। क्योंकि अगर तुम लोगों ने देखा है बेब्लेड बर्स्ट क्वाड ड्राइव जैसी सीरीज, मतलब वो सीजन भाई कैरेक्टर में ही दम नहीं था तो जब ही जाके वो सीजन ही नहीं चला। तो इस वजह से कैरेक्टर भी बहुत ही मेन रोल अदा करता है सीरीज में। नेक्स्ट आता हम सभी लोगों के पास एनिमेशन, ऐसा पॉइंट जो पूरा एनिमे को बदल के रख सकता है, और इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल होगा डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर का फ्यूचर का बिग 3 में से एक काउंट किया जाता है, बट इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, कोई भी रफ एंड टफ स्टोरी लाइन नहीं है। बट लेकिन जिसका एनिमेशन है ना, इसका एनिमेशन के चलते ये पूरा भी वर्ल्ड में छाया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूफो टेबल लेवल का एनिमेशन जनरेशन 4 के अंदर होना चाहिए, बट जिस टाइप का एनिमेशन हम सभी लोगों को बेब्लेड बर्स्ट का सीजन 1 एंड सीजन 2 में दिखाया गया था कि उस टाइप का एनिमेशन दे देगा, तब तो यार बेब्लेड जनरेशन 4 को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम लोग मेरा यकीन मानो, ये चीज सही भी होने वाला है, क्योंकि बेब्लेड बर्स्ट के जितने प्रोडक्ट्स बिके हैं ना, या फिर मैं यूं कहूं बेब्लेड बर्स्ट के कारण टकराटोमी को जितना प्रॉफिट हुआ है, पैसों का बरसात हुआ है उन सभी लोगों में, तो वो लोग पूरे अपना दिल खोल के यार पैसा फेंकने वाले जनरेशन 4 के ऊपर, जिससे उसका एनिमेशन और ज्यादा बेटर हो सकता है। तो चलो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, वो है बिटबीज जैसा कॉन्सेप्ट। तुम लोग जब जानते ही होगे बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज में हम लोगों को बिटबीज का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, जिसकी वजह से बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज काफी ज्यादा हाई थी और बहुत से लोग ने उसे प्रेफर करे थे, क्योंकि उसमें एक ऐसी सीरीज में बताया गया था कि बेब्लेड्स के अंदर एक प्राचीन शक्तियां रहती है और इस वजह से लोग उसको पाना चाहते हैं और लोग इससे वर्ल्ड डोमिनेशन का सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह बेब्लेड जनरेशन 4 अगर आएगा तो उसके अंदर कुछ ऐसा बिटबीस वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा गया है जब से मेटल सीरीज में से बिटबीस वाला कॉन्सेप्ट गया है तो स्टोरी लाइन को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से अगर तुम लोग देखोगे बर्स्ट में बिटबीस वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब लिटरली अगर कोई बेब्लेड के बारे में सोचता भी है कि मैं बेब्लेड से वर्ल्ड डोमिनेशन करूंगा बेब्लेड बर्स्ट में, तो भाई नहीं कर सकते, भाई क्या सोच के बना रहे हो तुम लोग। तो अगर ये लोग कुछ स्पिरिट एलिमेंट्स वाले चीजों को इस चीज में घुसाए जो कि काफी मजेदार बनेगा, एंड आई थिंक सो यहाँ पे स्टोरी लाइन काफी अच्छी बन सकती है। इस वजह से अगर बिटबीस वाला कॉन्सेप्ट, स्पिरिट वाला कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ हो इंटरेस्टिंग तो काफी मजा आएगा। नंबर 5 पॉइंट, एक ऐसा ट्विस्ट जिससे पूरा एनिमे हिल कर रह जाए। फॉर एग्जांपल बेब्लेड ओरिजिनल के अंदर ब्रुकलिन का एंट्री एक ऐसा मिस्टीरियस ब्लेड है जिसके पास एंडलेस अमाउंट ऑफ पावर है। बेब्लेड मेटल में ये था द ग्रेट रायुगा का डेथ, एक ऐसा कैरेक्टर का मृत्यु जिसको कोई नहीं हरा सकता, और
शुक्रने का रेड आई बनना और आइगर अकबाने के पास डार्क पावर आना, ये कुछ ऐसे दो के ट्विस्ट थे बीब्लेड बर्स्ट के अंदर जिसने स्टोरी में पूरा आग लगा दिया था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे ऐसे कुछ सर्टेन ट्विस्ट सब हम सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे बीब्लेड का जनरेशन 4 में, क्योंकि तुम सभी लोगों को पता होगा। बस अगर मैं टर्बो का एग्जांपल दूं तो डार्क आइगर के कारण स्टोरी लाइन में इतना ज्यादा मजा आ गया था कि जिसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। और रायुगा का डेथ तो हम लोग अभी तक याद करके रखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी इन बीब्लेड होल हिस्ट्री। रायुगा के डेथ वाले मोमेंट को कोई कभी नहीं भूल सकते एक बीब्लेड फैन। सो ऐसे कुछ मोमेंट्स होने चाहिए जो एक फैन का पूरा लाइफ टाइम याद रह जाए। ओके, जैसे ही मैंने आपको 4th पॉइंट में बताया था बिटबीस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में, वैसे ही मैं आपको 6th पॉइंट बताता हूँ एलिमेंट जैसा कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर ये लोग बिटबीस वाले कॉन्सेप्ट को नहीं ले रहे हैं तो ये लोग एलिमेंट जैसे कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं जो कि पोकेमोन से ये लोग ने इंस्पायर होकर बनाया होगा। ऑफ कोर्स फायर, विंड, इलेक्ट्रिसिटी, ग्राउंड और पता नहीं ऐसी बहुत सारी चीजें ये लोग ऐसे इन्वेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिनल सीरीज में बिटबीस देखा है और हम लोग ने मेटल सीरीज में कुछ स्टार फ्रेगमेंट्स वाले प्रोग्राम देखे थे, याद है कि नहीं। कुछ ऐसा मिक्सचर हो जाए जिससे जो है ना ये बेब्लेड की सीरीज फाड़ दे, मतलब ये जो बेब्लेड का जनरेशन 4 हो वो काफी मजेदार बने और लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना रहे। नंबर 7 बेब्लेड फॉर्मूला, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लीड रोल प्ले करेगा। ये पॉइंट अभी तक का सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट में से एक है, क्योंकि इसके कारण एक तो स्टोरी लाइन इंप्रूव होगी, साथ ही साथ जनरेशन 4 के जो बेब्लेड्स हैं उनके सेल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखो तुम लोग मानो या ना मानो, बर्स्ट के बेस इतने ज्यादा सेल हुए जितने ओरिजिनल सीरीज एंड मेटल सीरीज को मिला के भी नहीं हुए। हाँ भाई ये सच बात है, तुम लोग खुद चाहो तो तुम लोग खुद इंटरनेट में चेक कर सकते हो और इसका तुम लोग को बहुत सारे प्रूफ मिल जाएंगे। बट एक क्वेश्चन के बर्स्ट के बेस आके इतने ज्यादा क्यों सेल हुए हैं? फर्स्ट पॉइंट के जस्ट एक नॉर्मल से स्पिनिंग टॉप नहीं है। अब देखो बेब्लेड भी एक तरह से तुम लोग लट्टू ही कह सकते हो, तो एक लट्टू और बेब्लेड बर्स्ट के बेस में क्या अंतर है? कि बेब्लेड ना बर्स्ट हो सकते हैं, उनके बर्स्ट वाले गिमिक उन सबको तोड़ सकते हैं। भले ही एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसके चलते भाई बहुत सारे बेस बिके हैं। सेकंड पॉइंट कि जो बर्स्ट के बेस के जो मजबूती होते हैं ना भाई, वो तुम मत पूछो, एज कम्पेयर टू कोई भी बेस। बेब्लेड ओजी के बेस तुम्हारे टूट सकते हैं, बेब्लेड मेटल के भी बेस तुम्हारे टूट सकते हैं, लेकिन जो बेब्लेड बर्स्ट के जो बेस आते हैं ना रियल लाइफ में, उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है यार, मींस बहुत ज्यादा मुश्किल है सबको डिस्ट्रॉय करना। बेब्लेड बर्स्ट के बेस अब घिस के खराब हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं इतने आसानी से। सो इन मेरे ओपिनियन में भाई, जो जनरेशन 4 के जो बेस होंगे उनमें बर्स्ट जैसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होने चाहिए ताकि वह बहुत लंबे समय तक टिके और वह ऑडियंस को अट्रैक्ट करे ताकि ऑडियंस उन्हें खरीदे, और ऐसे थोड़े बहुत और गिमिक्स होने भी चाहिए ताकि इनका सेल्स पूरा आसमान छू जाए। तो चलो अब चलता है 8वें पॉइंट की तरफ। अब जो मैं ये चीज बताऊंगा उस चीज पे आप लोग भी 100% एग्री होंगे अगर जनरेशन 4 आप लोगों को चाहिए और एंजॉय करोगे तो। देखो सबसे पहली बात, बनी वाले में प्रोडक्ट्स पे अगर फोकस सच में चाहते हैं तो उनको स्टोरी लाइन पे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली देखना होगा। मेरा यही मोटिव है कि सबसे ज्यादा उनका ध्यान अगर स्टोरी लाइन पे रहे मोर टुवर्ड्स द एनिमे, देन आई थिंक उनका बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। अगर एनिमे की स्टोरी लाइन अच्छी होगी बेब्लेड जनरेशन 4 में तो ऑटोमेटिकली उनके टॉयज के कलेक्शन भी बिकना चालू हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज के अभी भी टॉयज बिकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, और उनके प्राइस अगर देखने जाओगे ना जेब खाली हो जाएगी तुम लोग की, क्योंकि उनकी उनको बताया वैसा गया है यार। अगर तुम लोगों को बता दूं अभी भी लोग ब्लैक ड्रॉन्जर के लिए कितना मरते हैं, क्योंकि उसके अंदर लोग जानते हैं कि ब्लैक ड्रॉन्जर में लोग ने कुछ स्पिरिट काली शक्ति पता नहीं ऐसे क्या क्या चीजें इन्वेंट करी थी। तो मैं यही चाहता हूं अगर ये लोग मोर टुवर्ड्स एनिमे कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें ना, तो अपने आप इनका जो है बिजनेस की सेलिंग लॉन्ग टर्म तक रहेगी। जैसे अभी ओरिजिनल सीरीज तक चल रही है वैसे ही बेब्लेड जनरेशन 4 में पता नहीं कुछ ऐसा चीज आए तो उसी तरह उनका बिजनेस भी काफी। मेरे तरफ से दी आखिरी पॉइंट राइवलरी। देखो बेब्लेड वालों को भले कुछ करना आता हो या ना आता हो, उन लोगों को फ्रेंड्स के बीच में राइवलरी दिखाने बहुत अच्छे से आता है। भले ही वे ओरिजिनल सीरीज में टाइसन वर्सेस काई हो, भले वे मेटल में रायुगा जिंगा या फिर क्यूया के बीच में फ्रेनिमीज वाला रिलेशन हो, या फिर वे बर्स्ट में हो वॉल्ट एंड शुकुरनाई के बीच में बॉन्ड, इन राइवलरीज के कारण सीजन को देखने का मजा 10 times ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस स्टोरी लाइन में ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सो ऐसे कुछ होना चाहिए बीब्लेड जनरेशन 4 के अंदर ताकि स्टोरी में और ज्यादा मजा आ जाए। सो गाइस मेरा पार्ट इस वाले वीडियो में यहीं तक था, मेरे चैनल का लिंक तुम सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब हम आते हैं हमारे आखिरी और लास्ट पॉइंट की तरफ। अगर यही पॉइंट नहीं होगा तो ऊपर के जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो सब यूजलेस हो गए। वो है लास्ट पॉइंट, एक वर्ल्ड डोमिनेशन का सपना रखने वाला विलन। अगर कोई विलन ही नहीं रहेगा सीरीज में तो देखने में ही क्या मजा आएगा? बॉन्डिंग देखोगे, फ्रेंडशिप देखोगे? सिर्फ ना ब्रो, अगर जब तक बोरिस जैसा विलन और डोजी जैसा विलन नहीं दिखेगा हम लोगों को सीरीज में उतनी मजा नहीं आएगी। एक विलन का कॉन्सेप्ट हम लोगों को बताता है कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है अचीव करने के
के लिए मैं ऐसे विलन्स की बात कर रहा हूँ जो कि चाहते हैं पूरे वर्ल्ड डोमिनेशन में, ना कि मैं फाई और लेन टाइप के विलन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ब्लेडर्स थे, पर मैं इनको प्रॉपर विलन नहीं कहूंगा। मैं प्रॉपर विलन कहूंगा जैसे बोरिस और हमारे डोजी को। देखो मेरे हिसाब से यही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्स होना चाहिए बेबले जनरेशन 4 में, जिसे हमें देखने में भी मजा आए और लोग इसे खूब इंजॉय करें और ये एडल्ट और टीनेजर्स सब लोग इसे देख सके और इनकी मार्केटिंग भी इससे काफी ज्यादा अच्छी होगी। अगर बेबलेट वाले ये हमारी वीडियो देख लेते मेरा ग्लैड, मतलब इनका धंधा चल पड़ेगा। और बाकी आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कैसे कैरेक्टर्स, एनिमेशन और क्या क्या चीजें होने वाली है, आप लोग बिंदास कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये काफी सोच समझ के बनाई गई है बेबलेट जनरेशन 4 के बारे में। और हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं मल्टीवर्स के बारे में, भाई मल्टीवर्स के बारे में कम एक्सपेक्ट करो भाई। मैं एक चीज काफी कहता हूँ लोगों को, एक्सपेक्टेशन हमेशा लो करके चलो, उसमें ज्यादा फायदा। तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।